बड़े कठिन से नर्तन पायो बटक बटक जोराती। अब समय छूट जाए बंदे, अब समय छूट जाए बंदे, गले गले में उडंडा 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 पीठ में पड़े दो बांधे गठैया नर्तन मेरी ना मिले गो गठरिया गाड़ी पाप की। माया के चक्कर में फंस के रोज मचावे दंगा, माया के चक्कर में फंस के रोज मचावे दंगा, माया के चक्कर में फंस के रोज मचावे दंगा। मरगट में ले जाए के तो मरगट में ले जाए के तो कुटम करे को नंगा बादिन ओ बादिन ओ बादिन चोरी में लुटे गो नर्तन मेरे नाम ले हो नाम नाल करिया काड़ी पाप की। नर्तन तेरे नाम ले गो बांधे गठरिया तू जो पाप की। ओए नर्तन मेरे नाम ले गो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देख ले भैया भजन करवे क्यों जरूरत ना है, क्यों के नए असत्य सम पातक पुंजा साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जय सियाराम। ये तो साधारण सी बात है, जबी तो कह रहे हैं कि नर्तन फिर ना मिलेगा बांधे गठरिया तू क्यों पाप की। बड़े कठिन से नर्तन पायो भटक के चौरासी, और अब हुताव चूक जाए बंदे, अब हुताव चूक जाए बंदे पड़े गले में फांसी। तो हमेशा सत्य का प्रतिपादन करो, सत्य बोलो कहूं डोलो। तो आगे चलते हैं, सूर्य जी कहते हैं ऋषियों धर्म प्रांजित के तो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये कथा तो ऐसी है मेरे कन्हैया की कथा, ये कथा ऐसी है निर्मल मत्सराणाम सताम। शब्द मत्सर और मच्छर एक जैसे शब्द लगते हैं, एक जैसा प्रतीत होता है, लेकिन मच्छर कहां से काटता है? ऊपर से, और मत्सर अंदर से। मच्छर से बचने के लिए तो आप मच्छरदानी लगा लेते हो, प्रयोग कर लोगे, लेकिन ये अभिमान रूपी मत्सर काटेगा ना तो दादाजी केवल गोविंद का नाम ही काम आएगा और कुछ नहीं आएगा, और कुछ काम आने वाला नहीं। अरे जिसने जीते जी अभिमान को त्याग दिया हो वही तो परमात्मा के विमान में बैठ के जाता है। कल जैसे बताया था
आत्मदेव धुंधकारी के लिए जो विमान आया, जब तक अभिमान का त्याग नहीं करोगे तब तक जो उद्धार नहीं हो। भगवान कहते हैं कभी कहीं भी भजन कर ले, कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया काने है, और तुलसी सीता राम लग्यो चाहिए नेह। नेह माने अपना चित्त, प्रेम। दादाजी कथा समझ में आ रही है? बिना प्रेम रीजे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। मैंने पहले भी बताया था कि बड़ा सौभाग्य है कि मैं मोनी बाबा के मंदिर पर बैठ के आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। भोले बाबा के चरणों में बैठ के आप कथा श्रवण कर रहे हो, मोनी बाबा के चरणों में बैठ के आप कथा श्रवण कर रहे हो। और आपका अभी जीवन कितना धन्य है, धन्य जीवन है जो हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है। गोविंद की चर्चा देखो, हमारी मैया भोजन बनाती है किचन में, किचन में भोजन बना रही है और कहीं से कथा की आवाज आ रही है, और मैया ने सोचा कि चलो कथा, हमारा किचन का काम तो पूरा हो गया, कथा श्रवण करने चलें। इतना सोचा ही है उन्होंने कि उनके हृदय में साक्षात श्री कृष्ण का वास हो जाता है। वही मूर्ति उनको देखती है, वही उनके दिल में बैठ जाती है कि हमें कथा श्रवण करनी है मेरे भगवान की। उसी समय हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। होते हैं कि नहीं होते? भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुम झूठ बोलना, किसी की झूठी गवाही देने जाना, तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। अरे ये क्या करने जा रहा है तू, ये क्या करने जा रहा है, तुरंत भगवान प्रकट हो जाएंगे। गलत काम कर रहा है, फिर माया के चक्कर में फंस गए, रोज मचावे दंगा। भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरू मैं हाँ, हमारे पग धरे जहां धरू मैं हाँ, सदा संग लागत फिरूं राम सिया राम राम सिया राम। अरे भगवान कहते हैं कि तू स्मरण करके तो देख ले, जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग साठ, और जो कठिन है गाठ तो मैं लोहे की लाठ। अरे तू लकड़ी बन जाएगा तो मैं लोहा बन जाऊंगा, अगर तू बाती बन जाएगा तो मैं उसमें तेल बन जाऊंगा। तू स्मरण करके तो देख ले, जो जलता रहेगा जीवन में कभी अंधकार तो आ ही नहीं सकता। एक दीपक को तो जला सकते हो, लेकिन यदि दो दीपक एक साथ जला दिए जाएं तो मैयाओ दोनों जलने वाले का भी एक साथ अंधकार मिट जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। सूजी कहते हैं ऋषियों,
ये हमें भागवत महापुराण सुलभ कैसे हो गया? जिस पुराण को आप सुन रहे हैं, सूर्य जी कहते हैं हे ऋषियों, ये भागवत पुराण हमें सुलभ कैसे हो गया? तो देखो वेद व्यास जी ने क्या लिखा है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर, निगम ये जो भागवत महापुराण है ना, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम शुक मुख अमृत द्रव संयुतम। शुक माने तोता, तोता की चोंच लगने से ये फल हमें सुलभ हो गया। किसी विद्वान ने पूछ लिया, भैया वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये फल, तो तोता की चोंच लगने से ऊपर से गिरा होगा तो ये फूट गया होगा। लेकिन ऐसे नहीं, तो बोले जब ऐसे नहीं तो ये हमें सुलभ कैसे हो गया? बोल सनई सनई धीरे धीरे। सबसे पहले नारायण की शाखा में आया और नारायण की शाखा में से ब्रह्मा जी की शाखा में आया और ब्रह्मा जी की शाखा में से नारद जी की शाखा में आया। नारद जी की शाखा में से व्यास जी की शाखा में आया और व्यास जी की शाखा में से बाबा सुखदेव जी की शाखा में आया। धीरे धीरे सनई सनई, और सुखदेव जी की शाखा में से हम तुमको सुलभ हो गया। सुख माने तोता, देखा है आपने तोता की चोंच लगने से, तो जो तोता देखा है आप और हम जाते हैं आम या अमरूद के बाग होते हैं ना, बेरिया होते हैं ना, बेर लगते हैं, तो दादाजी जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं तो हम ऊपर की तरफ नहीं देखते, कहां देखते हैं नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है तोता की चोंच के लगे हुए जो फल नीचे गिर जाते हैं ना, वो निश्चित मीठे होते हैं। अगर भूल से शुक पक्षी ने अगर खट्टे फल में भी चोंच लगा दी होगी तो वो भी हमें मीठा ही लगता है। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। जो लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं वो तो कथा श्रवण करने आ ही रहे हैं, अगर पापी भ्रष्टाचारी आता ताई भूल से भगवान के सम्मुख आ जाता है तो भगवान उसको भी अभय कर देते हैं, उसको भय नहीं रहता। देखिए क्या कहते हैं, हो सन्मुख हो जीव मोए जवाही जन्म कोटे आग ना सहु तवाही। हाँ सिया राम जय जय राम, हाँ सिया राम जय जय राम। जन्म कोटे आग ना सहु तवाही सन्मुख होए जीव मोए जवाही, अभय कर देता हूं फिर भय नहीं रहता। तोता की चोंच लगने से ये फल हमें सुलभ हो गया। अरे किसी ने कहा ये फल है, अब इसकी गुठली को खाएं या गुद्दे को खाएं? कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसकी गुठली खाई जाती है। छह
छिलका उतार के फेंक देते हैं, गुद्दे खाई जाते हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस फल में ना तो गुठली है ना छिलका है, ऐसे फल खाएं कबू जिनमें गुठली होती है ना छिलका होता है। अरे खाए तो बहुत होंगे आपने, फल में ना तो गुठली है ना छिलका है, बोल कब तक खाएं। बोल जी इसको पिबत भागवत रस माले हम, मुंह रहो रस का भूभ भाव का, इसको पियो। किसी ने कहा फल खाया जाता है या पिया जाता है? अरे फल तो खाए जाते हैं, पिए थोड़े जाते हैं। लेकिन इसका पान करो। बोल कब तक करें? बोलो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भाई